दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में बिहार में उद्योग धंधे धीरे धीरे फलने फूलने लगे हैं। आपने सुना होगा कि बिहार में बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी लग गई और बहुत सारी ऐसी कंपनियों पर काम भी चल रहा है। मुख्य रूप से बिहार में सबसे ज्यादा लोग तब ज्यादा खुश हुए थे जब बिहार में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की यूनिट लगी थी। अब इस पर जो है कि सरकार विचार कर रही है कि बिहारियों को बिहार में रोजगार दिया जाए, और उसके लिए अब बिहार सरकार क्या कर रही है एक बार हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। आपको बता दें कि बिहार में नई वस्त्र और चर्म उद्योग प्रसार नीति लागू हो चुका है। इससे बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिलने वाला है। दरअसल आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वस्त्र व श्रम नीति 2022 प्रोत्साहन नीति को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही राज्य में इस नीति को बुधवार से लागू भी कर दिया गया है। वहीं इस नीति पर अगर एक नजर डालें तो बताया जा रहा है कि इस नीति के तहत 30 जून 2023 तक आवेदन करने की समय सीमा तय की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश के उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि वो बिहार में आकर उद्योग लगाएं। वहीं इस नीति पर नजर भी डालें तो निवेशकों को काफी लाभ मिलने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा जो बात उभर के आ रही है वो है कि निवेश का 15% का अनुदान दिया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं बिहार में उद्योगपति आकर्षित होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि अनुदान में अधिकतम 10 करोड़ तक की मदद भी की जाएगी। लेकिन एक बात जिसके बारे में लोग अक्सर ये कहते थे कि बिहार में उद्योगपति अपना बिजनेस कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजली का रेट ही सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगा और खर्च भी ज्यादा आएगा। इसलिए यहाँ पर उद्योगपति बिजली के रेट की वजह से अपना उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विद्युत शुल्क पर 2% यूनिट का भी अनुदान होगा। इस नई उद्योग नीति के तहत वस्त्र उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं या फिर ऐसे कारीगर हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में जाकर वो यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता। तो अब जो है कि अगर ये नीति लागू हो गई है और अगर इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बिहारी ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलेगा। इसलिए नीतीश सरकार ये भी चाहती है कि ऐसी नीतियों को और आगे बढ़ाया जाए ताकि बिहारियों को बिहार में रोजगार दिया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिहार से पलायन होता है वो वस्त्र और श्रम नीति के आधार पर ही होता है। आपको बता दें कि जब बिहार में ऐसे कंपनियां लगने लगेंगी जिससे कि वस्त्र उद्योग स्थापित हो सकता है, तो वाकई में इससे बिहार को बहुत फायदा मिलेगा। और इसके आगे हम आपको अपडेट देंगे कि बिहार में कब कब कौन कौन सी कंपनियां लग रही हैं, ताकि आपको पता चलता रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम अपने बिहारी भाइयों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जिससे उन्हें ये पता चल सके कि बिहार में कौन कौन सी कंपनियां लग गई हैं और कहां कहां पर कौन से काम मिल सकते हैं।